मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव एसआर मोहंती ने सोमवार को इंदौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बारिश से प्रदेश में करीब 10,000 करोड़ के नुकसान का अनुमान है। सरकार की सजगता का नतीजा है कि 3 महीने पहले हुई प्लानिंग के कारण प्रदेश में हालात ज्यादा नहीं बिगड़े। उन्होंने कहा कि अगर समय से पहले ये सजगता नहीं दिखाई होती तो प्रदेश की स्थिति ज्यादा खतरनाक होती। मुख्य सचिव एसआर मोहंती ने कहा कि गांधी सागर बांध को लेकर अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। बांध पूरी तरह सुरक्षित है। प्रदेश में भारी बारिश की वजह से भी जो नुकसान हुआ है विभागों द्वारा उसका सटीक आकलन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आगामी 19 से 20 सितंबर को केंद्र सरकार की टीम प्रदेश के दौरे पर आ रही है। ये टीम इंदौर और भोपाल संभाग के गाँव का दौरा करेगी और 23 से 24 सितंबर तक प्रदेश सरकार नुकसान का सटीक आकलन कर रिपोर्ट टीम को सौंपेगी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की तरफ से मिलने वाली मदद और प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाने वाले फंड से लगभग 20 दिनों में किसानों को राहत मिलना शुरू हो जाएगी। प्रदेश की बिगड़ती सड़कों को ठीक करने के लिए 20 नवम्बर की समय सीमा भी निर्धारित की गई। आज से करीब 3 महीने पहले रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने एक डिटेल मीटिंग किया था मध्य प्रदेश की बरसात पूर्व तैयारी के बारे में और प्रत्येक जिले में कहां कहां पे बाढ़ आ सकती है, कहां कहां पे हमें होमगार्ड डिप्लॉयमेंट करना है, एसडीआरएफ डिप्लॉयमेंट करना है, बोट्स हैं कि नहीं, लाइफ जैकेट्स हैं कि नहीं, इन सब की एक इन्वेंटरी लेके 3 महीने पहले रेवेन्यू डिपार्टमेंट में और इसके लिए मैं मनीष रस्तोगी जी जो बैठे हुए हैं उनको विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा, हम लोगों ने तैयारी प्रारंभ कर दी थी। 19 और 20 तारीख को भारत सरकार की टीम को निवेदन करके उनको बुला लिया गया है। 19 और 20 तारीख को वो लोग आएंगे और रैंडमली वो 2 डिविजन्स में घूमेंगे जो कि अभी इनिशियली हम लोगों ने भोपाल डिवीजन और उज्जैन डिवीजन को आइडेंटिफाई किया है, जहां पे वो लोग देख के एक नजरी एस्टिमेट बनाएंगे और हमारा मेमोरेंडम भी तैयार हो गया है। हमारा जो प्रारंभिक मेमोरेंडम वो 19 तारीख को जब भारत सरकार की टीम आएगी उनको दे दिया जाए, तब जो टेंटेटिव एस्टिमेट हम लोगों का है वो ये है कि करीब 8,000 करोड़ का क्रॉप डैमेज शायद मध्य प्रदेश में हुआ है, हो सकता है थोड़ा ज्यादा हो। फाइनल फिगर्स इस महीने के अंत तक आने की पूरी उम्मीद है और एट अ मिनिमम एस्टिमेट करीब 1800 से 2000 करोड़ हमारे दूसरे डिपार्टमेंट्स के जैसे सड़क और हमारे इरिगेशन के सिस्टम्स हैं या स्कूल्स हैं या दूसरे जो मैंने नाम बताए उसमें करीब करीब 1800 से 2000 करोड़ की और एस्टिमेट आने की उम्मीद है। तो मोटा मोटी अगर एक बहुत ही ब्रॉड स्ट्रोक्स में एक फिगर हम ले लें करीब करीब 10,000 करोड़ का अभी तक एक टेंटेटिव एस्टिमेट है।